आज मैं आ चुका हूँ फिर से माइनक्राफ्ट के और एक तबाहीदार वीडियो में। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मैं ना एक जाइंट स्नेक को हरा रहा था भाई, वो इतना डेंजरस है क्या बताओ भाई, मरने का नाम ही नहीं ले। तो यार जो भी हो, आज मैं बीते हुए कल को भूल के फिर से निकलने वाला हूँ एडवेंचर पे, और एडवेंचर पे हमें कौन कौन से मॉन्स्टर, कौन कौन से न्यू लोकेशन देखने के लिए मिलता है ये तो आप लोगों को वीडियो के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो यार वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को कर देना लाइक, और जो बंदे मेरे आवाज पहली बार सुन रहे और मुझे पहली बार देख रहे उन लोगों में बता रहा हूँ भाई, फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना बकवास के सीधा चलते हैं एडवेंचर पे। और मुझे सामने जाते एक भालू देखने के लिए मिला। तो भाई ये जो भालू है ना, मुझे अचानक डरा देता है, ऐसा लगता है कि भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। चलो यार सामने चलते हैं और देखते हैं मैं ओए तू फिर से यहाँ पर कैसे आ गया, रुक तुझे थंडर बोल्ट मारता हूँ। ये ले भैंस की, ओए लग जा कहाँ पर गया, ये ले पानी में उतर गया, इसको मार रहा भाई, आराम से मार दूंगा, ये मुझे मेरे तक पहुंच भी नहीं पाएगा, मैं इसको ओ भाग रहा है भाई, रुक। चलो और एक शॉट, इसका अचार निकल गया, चलो फट हाई, चलो फिर से हमें एडवेंचर में निकलना पड़ेगा। इसका तो अचार बना दिया मैंने, और कोई चारा नहीं था भाई, क्या करूं मैं ऐसा ही हुआ यार, मॉन्स्टर देखते ही मारने लगता हूं। गाइस मेरे सामने ये भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे करके पेड़ के ऊपर उठने में, बट मैं उठ क्यों नहीं पा रहा भाई, मुझे रहना ही नहीं है इस बेकार सी जगह में। चलो फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ भाई, अभी तक मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला है जिसको मैंने मार दिया थंडर से। तो चलो यार फटाफट डुबकी लगा के हम लोग रिवर के उस पार चलते हैं और देखते हैं, ये तो रिवर नहीं है मतलब समुद्र के उस पार चलते और देखते भाई हमें मिलता क्या है। अभी तक एक भी खास मुझे कुछ नहीं मिला भाई, एडवेंचर में निकलना ही बेकार हो गया, अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। तोड़ो तरबूज, तोड़ते रहो भाई साहब, खाना मिलता रहेगा, फटाफट खाने की भी जरूरत है। अगर एक बॉस वगैरह मिल गया तो भाई खाने का जरूरत होगा ना, क्योंकि डैमेज तो देगा ही भाई साहब। ये देखो मेरे सामने कौन है, इसको फटाफट में हड्डी खिलाऊंगा तो इसको टेम कर दूंगा फटा। ओए रुक जा भाई, मेरे साथ रहे, डरना मत भाई, तू बैठ जा यहाँ पे आराम से, अभी तू मेरे साथ आएगा तो मैं तुझे खाना दूंगा। आ रहा है भाई, आ रहा है मेरे पीछे आ रहा है भाई साहब, मजा आ गया। चलो फिर यहाँ से चलते, ओए यहाँ पर एक गोस्ट है भाई साहब, डेविल है, चलो इसको मैं मारना पड़ेगा फटाफट। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, मैं वुल्फ के थ्रू यहाँ पर इसको मारवाऊंगा, सामने और एक वुल्फ है और मैं पहले इसको मारता हूँ, उसके बाद इसको भी टेम करूंगा। आ जा एक सेकंड में, ये ले वो हरी चटनी, रुक जा भाई साहब, रुक। अबे भाई इसके लिए मेरा वुल्फ ही काफी है, देखो कितने गुस्से में, ये देखो काटता रहता है, मार भी दिया, वाह भाई वाह खतरनाक निकला तू। चलो भाई इसको तो क्या बोलते हैं, इसको भी मैं टेम कर लूंगा तो भाई अच्छा होगा अगर मैं इसको भी टेम कर लेता। चलो वुल्फ भाई लोग तुम लोग यही पे देखो, मुझे भाई उस साइड जाना पड़ेगा फटाफट। वुल्फ भाई लोगों को मैं पीछे छोड़ के आ चुका हूँ नदी के पास, और मेरे सामने वेट ए सेकंड, मेरे सामने और एक कुछ तो है भाई, पास जाके देखना पड़ेगा, वहां पर अगर कुछ लूट वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है। अबे भाई ये तो वो उस एक आग वाली वो क्या बोलते हैं उसकी तरह लग रहा है भाई साहब। चलो फटाफट यहाँ पर जाके देखते, यहाँ पर मिलता गया है, फटाफट खाना खा लेता हूँ। चलो अभी जाया जाए और देखना पड़ेगा भाई यहाँ पर मिलता गया है। ओए आग लग गया यहाँ पर, कैसे पता नहीं यार यहाँ पर कैसे आग लग चुकी है। और मैं यहाँ पर जितने भी सारे डर्ट है ना इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ लूट वगैरह मिलता है कि नहीं ये भी मुझे देखना पड़ेगा। फटाफट तोड़ते जाओ भाई, जंगल पे जंगल है भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी है यहाँ पर भाई साहब। चलो फटाफट यहाँ पर साफ कर देते जितने भी सारे डर्ट वगैरह। वो बैरल है, इसके अंदर कुछ पक्का होगा, ये देखो बैरल है इसके अंदर, देख वो गोल्डन एप्पल। चलो भाई काम हो गया अपना। चलो फिर फटाफट जितना भी सारा सामान है उसको लूट के यहाँ से फटाक से निकल जाते, क्योंकि इसके अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं रहता। सो लेट्स गो, अभी फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, बट मैं ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ डर्ट वगैरह लगाना पड़ेगा। चलो फिर यहाँ पे एक डर्ट लगा, वेट डर्ट लगा तो वो नहीं लगेगा ये, हाँ ये स्लैब है ना इसीलिए। चलो और मेरे, अबे मुझे ऊपर ही नहीं जाने दे रहे, रुक अबे फिर से नहीं यार। चलो फिर ऊपर आ चुका हूँ अभी, चलो भाई अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मुझे देखना। ओए यहाँ पर खतरनाक एक गड्ढा है भाई साहब, सुरंग है भाई साहब, मजा आ गया भाई देखने में, ऐसे सुरंग में भाई एक दिन मुझे जाना पड़ेगा। और ओए यहाँ पर फिर से डेथ है क्या, एक सेकेंड डेथ तो यहाँ पर आस पास कोई कहीं पर भी नहीं दिख रहा। चलो भाई अच्छी बात है यहाँ पर डेथ नहीं है, वरना फिर से खामा का फंगा फिर से। अबे भाई इसका नाम लिया ये हाजिर, चलो फिर इसको मारना ही पड़ेगा। एक शॉट देते ही यहाँ पर ख़त्म। चलो भाई बारिश भी चालू हो चुका है, मेरे लिए दिक्कत फिर से। चार होए
वो क्या है? एक सेकंड। अरे गाइस, क्या ये कोई उड़ता हुआ आइलैंड वगैरह हो सकता है क्या? देखने में तो वैसा ही लग रहा है भाई साहब। यूएफओ वगैरह होगा तो मजा आ जाएगा यार। वैसे भी गाइस, नीचे उतरने का कोई फायदा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यार अगर मैं नीचे उतरूँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी स्केलेटन मेरे पीछे पड़ेंगे, और मैं अभी पक्का श्योर हूँ क्योंकि ऊपर एक आइलैंड के अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से मुझे फटाफट ऊपर किसी एक ऐसी जगह पर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर बहुत ऊँचा होगा, वहाँ से मैं डर्ट के थ्रू ट्राई कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारे डर्ट की अभी ज़रूरत पड़ेगा। सो गाइस, मैं एक पेड़ के ऊपर आ चुका हूँ और मैंने अभी अभी देखा, क्या मैं आप लोगों को दिखाऊँ? बाद में ही दिखाता हूँ, पहले मुझे ना बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। ओके चलो ठीक है, अभी जितने भी सारे हो सके मैं डर्ट कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे डर्ट की ज़रूरत होने वाला है, क्योंकि वो आसमान में है गाइस। लिटरली आप लोग सोच सकते हो, सर्वाइवल सीरीज में ऐसा होता नहीं है अक्सर। फटाफट मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, और क्राफ्टिंग टेबल के बाद मुझे एक टूल बनाना पड़ेगा, वो क्या, शवल बनाना पड़ेगा, जिसके बाद मैं ना बहुत सारे मिट्टी कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि चाहिए यार, फटाफट कलेक्ट करना पड़ेगा यार। मैं रात का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करने वाला, इसीलिए फटाफट शवल बनाने के बाद फिर से मैंने काम पे लग गया ना। ओके, तो फटाफट यहाँ पर जितने भी सारे हो सके मैं यहाँ पर कलेक्ट करने लगता हूँ। ओके सो भाई, जितना हो सके उतना मैंने कलेक्ट कर लिया, तो अभी फिलहाल मुझे अभी ऊपर जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कुछ इस तरीके से पेड़ पे पहले उठूंगा, तो ताकि भाई कुछ ब्लॉक्स हमें कम लगे। ओके, तो ये वाला ट्रिक बहुत ही मस्त है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा तोड़ देता हूँ ताकि मैं ऊपर उठ सकूँ। एक सीढ़ी जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, मैं ऊपर वाले में जाऊँगा। ये देखो, देखा आप लोगों ने अभी देख ही लिया होगा, मैंने सोचा भाई लास्ट में ही दिखाता हूँ, पहले ऊपर उठ जाता हूँ। वो देखो, वो स्टोन वगैरह दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये भाई पक्का एक भाई खूफिया कुछ होगा, जहाँ पर मुझे कुछ खास मिलने भी वाला मिल भी सकता है, नहीं भी। और उस साइड देखो भाई, आइस वाला आइलैंड, ये देखो आप लोग। सो लेट्स गो, फटाफट चलते 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 जाते भाई, जितना हो सके मैं चलता जाता हूँ। सो अभी बढ़ते सामने की तरफ, कुछ इस तरीके से फटाफट सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओके, तो लगभग मैं पहुंच ही चुका हूँ, अभी फिलहाल मुझे ये वाला स्टोन हटाना है, जिसके बाद मैं आराम से यहाँ पर उठ सकता हूँ। तो भाई मेरे पास खास कुछ है नहीं, तो मैं स्वॉर्ड के थ्रू यहाँ पर इसको तोड़ने वाला हूँ। चलो फटाफट अभी यहाँ पे जंप करते और ये वाले डट को हटाते, जिसके बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ। वे शिप पिग वगैरह भी है यहाँ पर, और देखो मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ भाई, और कैसे डर्ट लगा के मैंने आया। सो लेट्स चेक आउट अंदर क्या मिल सकता है। ओए, यहाँ पर पानी भी है क्या? पानी नीचे गिर रहा है क्या? वैसे तो पानी यहाँ पर स्टक हो चुका है, पता नहीं क्यों नीचे नहीं गिर रहा। अरे पर भाई सर, चिकन वगैरह भी है। चलो फिर यहाँ पर एक रूम है, खतरनाक सा भाई रूम भी बना रखा देखा। और ये एक रास्ता है जहाँ से मैं व्यू ले सकता हूँ या फिर कुछ भी, और ये एक फिशिंग रॉड है जिसको मैंने अभी अभी चोरी कर लिया, क्योंकि चोरी इसे बोलेंगे, क्योंकि भाई दूसरे के घर पे आए हैं जो कि हवा में है। भाई ये किसका घर हो सकता है? सुपरमैन स्पाइडरमैन भाई किसका घर हो सकता है भाई? आप लोग कमेंट करके बता देना। सो यहाँ पर मस्त लूट वगैरह हो चुके, जितने भी सारे वैरल थे वो मैंने लूट कर लिया, सिर्फ फिश के अलावा कुछ नहीं। वही ये खुफिया रास्ता है क्या? ओ अरे भाई साहब, टनल वो। अच्छा, इसके अंदर मुझे कुछ लूट मिल सकते हैं। तो फटाफट यार मैं क्या करूं, नीचे जाना चाहिए कि नहीं? मैं फटाफट नीचे चलता हूँ। चलो चलो, कितना गहरा है। ओह नहीं, अरे भाई ही रुक जा। नहीं अबे यार, ऐसा स्कैम किसी के साथ ना हो यार, ये बड़ा गंदा स्कैम हो गया, रोना आ रहा है अभी, क्या बताओ। बट कोई नहीं गाइस, ऐसा होता रहता है सिर्फ मेरे साथ ही, और क्या ही बताओ गाइस। तो जो भी हो गाइस, यार आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और ये भी कमेंट कर देना भाई वो किसका घर था, एलियन का वगैरह क्या घर था क्या भाई, आप लोग कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही रखते भाई, तो आज का वीडियो इतना ही था, आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।